एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सिकंदरा राव में स्थित महमूदपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 12 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर है। लगभग 3300 की आबादी व 1700 वोटरों द्वारा अनोखे लाल को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 300 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 86 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंपों को रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 विद्युत बोर्ड, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 17 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, चक रोड व तालाब का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 90 इज्जत घरों व 5 लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पुत्र अजीत कुमार, ग्राम महमूदपुर, तहसील सिकंदरा राव, ब्लॉक सिकंदरा राव, डिस्ट्रिक्ट हाथरस, 6 सीसी टाइल्स और 90 शौचालय का निर्माण कराया है। मनरेगा के अंतर्गत मिट्टी का सौंदर्यीकरण कराया है। हमारी सरकार से मांग है गरीबों को आवास, आंगनवाड़ी केंद्र, बारात घर और ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया जाए। ग्राम निवासी, ये मेरे पापा हैं, मैं रोहिया ग्राम में ये मिला है, प्रधान जी ने मैं सपोर्ट किया है।